नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। अपने चैनल पे मुझे कई बार कमेंट्स में बहुत सी कमेंट्स आती है और वैसे ही उसके जवाब मुझे देने पड़ते हैं। परसों एक पार्टी में गया था, तब मेरे दोस्त ने, एक नज़दीकी दोस्त है, उसने मुझे पूछा, निशान भाई कि ये सिंगल मॉल्ट विस्की यानी क्या, और ये इतनी महंगी क्यों होती है। मैंने उसको कहा कि अब मैं यहाँ जवाब देने के बजाय एक बढ़िया एपिसोड ही बना देता हूँ। वैसे देखा जाए तो मैंने जब ये चैनल की शुरुआत की थी तब इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन ऑन सिंगल मॉल्ट विस्की नाम का एक मेरा एपिसोड है, लेकिन वो मेरे मदर टंग में है यानी मराठी में है। आप वो देख सकते हैं क्योंकि उसमें सबटाइटल्स है, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन ये अगर मैं अच्छी तरह फिर से प्रेजेंट करूँ तो मुझे लगता है कि हिंदी में बाकी के लोगों को भी वो समझ में आएगी। इसके लिए आज मैंने तय किया कि ये एक अच्छा बढ़िया एपिसोड बनाऊं जिसका टाइटल रहेगा व्हाट इज सिंगल मॉल्ट विस्की एंड व्हाई इट इज सो कॉस्टली। कई लोगों को सिंगल मॉल्ट विस्की पसंद नहीं आती, लेकिन हमारे जैसे जो विस्की इंथ्यूजियस्ट है उनको सिंगल मॉल्ट विस्की ब्लेंडेड स्कॉच विस्की से ज़्यादा पसंद आती है, और वो सिंगल मॉल्ट विस्की फिर कहीं की भी हो, यानी सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की हो या तो सिंगल मॉल्ट इंडियन विस्की हो, जापानीज विस्की हो, कहीं की भी हो, सिंगल मॉल्ट विस्की की एक खासियत है। वो क्या और सिंगल मॉल्ट विस्की यानी क्या, ये मैं आज आपको समझाता हूँ। सिंपल है, कोई भी आप सिंगल मॉल्ट विस्की की बॉटल लीजिए और उसके लेबल को पढ़िए, उसके ऊपर तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज सिंगल मॉल्ट विस्की, बट उसके पहले एक वर्ड आता है, दैट इज सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की। अब ये सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की क्या है ये आज हम जानते हैं, साथ में सिंगल मॉल्ट इंडियन क्या है यानी जापानीज क्या है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा फर्क क्या है ये मैं बता दूंगा। सिंगल मॉल्ट स्कॉच, आप कोई भी सिंगल मॉल्ट की बॉटल लीजिए, उसके ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की। अब हम हर एक वर्ड को डिफ्रेंशिएट करेंगे। व्हाट इज मीन बाय सिंगल, सिंगल का मतलब है सिंगल इंडिविजुअल डिस्टिलरी। हर एक डिस्टिलरी की अपनी अपनी सिंगल मॉल्ट बनाने की प्रोसेस रहती है, यानी उसमें क्या होता है उस विस्की में उस डिस्टिलरी की खासियत रहती है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर आए। फॉर एग्जांपल अगर आप आइला रीजन से कुछ विस्की ले तो फॉर एग्जांपल लेफ्रॉइग लीजिए, आर्टबेग लीजिए, या तो टालिस्कर लीजिए, कोलाइला लीजिए, तो ये सब विस्की में दो तीन नोट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, दैट इज पीटेड, स्मोकी, मेडिसिनल, सीवीड। तो ये जो अरोमा उसमें मिलते हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक उसमें मिलती है वो उस रीजन की वजह से है। जैसे आप हाईलैंड रीजन में जाएंगे तो हाईलैंड रीजन में फ्रूटी केक, मॉल्ट एंड ओक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा दिखते हैं। वैसे ही अगर स्पेस साइड विस्कीज ले तो उसमें फ्लोरल, पेयर, एप्पल यानी वो टाइप के फ्रूट्स, एंड साथ में हमें मिलता है थोड़ा सा वेनिला और ऐसा फ्लेवर। तो ये हरेक डिस्टिलरी की कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो मिलता है वो वहाँ के इलाके में जो पानी रहता है यानी स्प्रिंग वाटर अवेलेबल है, रिसोर्सेज जो मिल वहाँ पे है, या तो रिवर है उसका पानी, बाद में वहाँ पे मिलने वाला बार्ले, जो सिंगल मॉल्ट जो बोलते हैं मॉल्ट, मैं आता हूँ उस वर्ड पे आता हूँ, तो वहाँ पे मिलने वाली बार्ले, बाद में वो कौन से कास्क में मैच्योर करते हैं, वो उसके लिए फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला यीस्ट, साथ में कौन से स्टील पॉट में वो डिस्टिल हो रही है, कौन सा कंडेंसर इस्तेमाल किया है वो डिस्टिल करने के लिए, फिर वो चिल्ड फिल्टर है या नॉन चिल्ड फिल्टर है, ऐसे सब क्राइटेरिया को एग्जैक्टली फॉलो करके एक जो विस्की बनती है दैट इज सिंगल मॉल्ट विस्की, और वो भी एक ही डिस्टिलरी में। हम चलते हैं सेकंड वर्ड पे, दैट इज मॉल्ट। व्हाट इज दैट मॉल्ट, दैट इज मॉल्टेड बार्ले। ये मॉल्टेड बार्ले जो रहती है, ये बार्ले वो जो डिस्टिलरी रहती है वो अपने कुछ रीजन रहते हैं, वो रीजन की बनी हुई ही वहीं के खेतों में बनाई हुई यानी पकी हुई बोलते हैं, ग्रो की हुई वो ही बार्ले को इस्तेमाल करते हैं।
वही भी वो भी एक पर्टिकुलर क्वालिटी की बार्ले ही वहाँ पे ली जाती है वो डिस्टिलरी में। वो जब बाय करते हैं तब उसको काफ़ी अच्छी तरह चेक किया जाता है और उसके बाद ही वो डिस्टिलरी उसको बाय करती है। और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ बार्ले का ही इस्तेमाल होता है, यानी बाकी की जो कुछ विस्कीज रहती है ब्लेंडेड विस्कीज, उसमें कॉर्न, मेज, ननराय, तो ऐसे सब बाकी के ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिंगल मॉल्ट में सिर्फ मॉल्टेड बार्ले का ही इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी वो पर्टिकुलर सॉइल में ग्रो की हुई ही बार्ले को यूटिलाइज किया जाता है। अब चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड पे, दैट इज स्कॉच। व्हाट इज स्कॉच विस्की? स्कॉटलैंड में बनी हुई, वहाँ के कुछ क्राइटेरियाज है, पर्टिकुलर क्राइटेरियाज जो विस्की मेकिंग के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और उसी को फॉलो करते हुए जो विस्की बननी जाती है दैट इज कॉल्ड स्कॉच विस्की। उसके कई क्राइटेरिया है, उसमें से एक यह है कि कोई भी बॉटल के ऊपर अगर स्कॉच विस्की लिखना है तो उसको कम से कम 3 साल के लिए कास्क में, वो कोई भी ओक कास्क में उसको मैच्योर किया हुआ होना ही चाहिए। ऐसे कुछ फिक्स क्राइटेरिया होने की वजह से और रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होने की वजह से सिंगल मॉल्ट जो रहती है वो बहुत ही टेस्टी और एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से भरी हुई रहती है। वैसे देखा जाए तो आजकल काफ़ी कंट्रीज सिंगल मॉल्ट विस्की बनाने लगी है, USA, बाद में कनाडा, बाद में आयरलैंड और जापान है, और आजकल तो इंडियन सिंगल मॉल्ट ने वर्ल्ड वाइड मार्केट ही कैप्चर कर लिया है, ऐसे मैं कहूँ। जी हाँ, इंडियन सिंगल मॉल्ट स्कॉच में भी, स्कॉच विस्कीज में जो स्कॉच सिंगल मॉल्ट है उससे भी थोड़ी ऊपर की पायदान पे आने लगी है। उसके कुछ रीजंस है, मैं आगे चल के आता हूँ और आपको बताता हूँ। तो ये 3 वर्ड जो है सिंगल मॉल्ट स्कॉच, इसकी वजह से सिंगल मॉल्ट की एक पहचान बनी हुई है। अब एक और वर्ड आता है, दैट इज ब्लेंड। व्हाट इज ब्लेंडिंग? ब्लेंडिंग का मतलब है बहुत सी डिस्टिलरीज हैं, वो कई अलग अलग डिस्टिलरीज से विस्कीज को बाय करती है, यानी जो कास्क रहते हैं उसको बाय करती है, और उसके मास्टर ब्लेंडर्स जो रहते हैं वो उसको ब्लेंड करते हैं। अरे यानी मैं तो कहता हूँ, अगर हम ब्लैक लेबल ले या तो चिवाज रिगर ले, तो उसमें 35 से 40 विस्कीज की ब्लेंड रहती है, और तब जाके एक पर्टिकुलर टेस्ट की विस्की वो लोग बनाते हैं। दैट इज द स्किल ऑफ मास्टर ब्लेंडर ऑफ दैट डिस्टिलरी, बट उसको कहते हैं ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। और जब सिंगल मॉल्ट विस्कीज को ब्लेंड करके अगर एक विस्की बनाई जाए, हर एक डिस्टिलरी से सिर्फ सिंगल मॉल्ट विस्की को बाय करके उनका एक ब्लेंड करके अगर एक विस्की बनती है तो दैट इज ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की। जी हाँ, आपको पता है मंकी शोल्डर है, बाद में ग्रीन लेबल है, आजकल ग्रीन लेबल का एक नया वर्जन आया है, मेरे ख्याल से ग्रीन लेबल की जगह अब आइलैंड ग्रीन इस विस्की ने ली है। उसमें भी सिर्फ सिंगल मॉल्ट विस्की है, लेकिन अलग अलग डिस्टिलरी से, यानी फॉर एग्जांपल कोलायला डिस्टिलरी है, या तो कोलीला हम लोग कहते हैं, वो डिस्टिलरी से कुछ विस्की ली, बाद में हाईलैंड रीजन की कुछ ग्लेन फिडिक है, ग्लेन मोरांज है, या तो स्पेस साइड से है कुछ विस्कीज, तो ऐसी विस्कीज को, सिंगल मॉल्ट विस्कीज को लाके ब्लेंड करके अगर एक विस्की बनती है तो दैट इज ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। जी हाँ, सिंगल मॉल्ट विस्की की कॉस्ट क्यों ज़्यादा रहती है? आप इंडियन सिंगल मॉल्ट भी देखिए, स्कॉच सिंगल मॉल्ट भी देखिए, स्कॉटलैंड की या तो आयरलैंड की, कोई भी सिंगल मॉल्ट विस्की की कॉस्ट क्यों ज़्यादा रहती है? तो उसका पहला रीज़न है सिंगल इंडिविजुअल डिस्टिलरी। एक ही डिस्टिलरी में अगर उसका प्रोडक्शन करना है तो देर इज अ प्रोडक्शन लिमिटेशन। हर एक चीज़ का प्रोडक्शन एक लिमिट में ही हो सकता है। देखिए, उसके लिए लगने वाला जो डिस्टिलरी का कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी के बाहर जाके तो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो
और उसके पूरे प्रोसेस के लिए लगने वाला जो समय है उसको तो वो कट ऑफ नहीं कर सकते ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए। तो इसके लिए जो एक डिस्टिलरी है उसमें माल्ट विस्की बनाने के लिए जो समय लगता है उतना तो लगने ही वाला है। सो इसकी वजह से काफ़ी लिमिटेशंस आती है। दूसरा रीज़न है वो एक ही ग्रेन से बनाई हुई रहती है, दैट इज़ बार्ले। अब जो रीजन है वो रीजन में भी वही पर्टिकुलर क्वालिटी की बार्ले मिलना, दैट इज द मेन क्राइटेरिया। तो ऐसा जब रहता है तो वो टाइम पे हमेशा लिमिटेशन यही आता है कि एक सर्टन एरिया में से ही हमको बार्ले बाय करनी है और पर्टिकुलर क्वालिटी की ही बार्ले बाय करनी है। तो उसकी वजह से वो एक सर्टन क्वांटिटी आ गई तो यू कैनॉट आस्क फॉर मोर क्वांटिटी फॉर द क्वालिटी ऑफ दैट बार्ले। तो उसकी वजह से सेकंड लिमिटेशन आता है और बार्ले की जगह दूसरे ग्रेन इस्तेमाल किए तो दैट विल बी नॉट अ सिंगल माल्ट विस्की। तो इसके लिए एक लिमिटेशन आता है कि वही क्वालिटी की बार्ले मिलना, और ये क्वालिटी की बार्ले जो रहती है वो ज़्यादा महंगी रहती है। यानी हम लोग अगर बाकी के ग्रेन को कंपेयर करें, कॉर्न देखें, राय देखें, तो उसके कंपेरिजन में बार्ले माल्ट करने के लिए जो बार्ले लाई जाती है वो ज़्यादा कॉस्टली रहती है। तीसरा रीज़न है दैट इज़ एजिंग टाइम। जब विस्की बन जाती है तो उसको जब हम एजिंग के लिए कास्क में डालते हैं तो उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग एजिंग दैट विस्की। तो ड्यूरेशन यानी देखिए स्कॉटलैंड का जो एजिंग टाइम है दो, हम लोग तो देखते हैं बॉटल पे 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे लिखा हुआ रहता है। लेकिन उस समय एक एंजल शेयर उस कास्क में से उड़ निकल जाता है। यानी क्या, एंजल आके वो विस्की पीता है ऐसे नहीं, वो ले जाता है ऐसे नहीं। एंजल शेयर का मतलब है ई वेपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर विस्की। वो जो ई वेपरेशन क्वांटिटी है वो एक साल के लिए स्कॉटलैंड में 1-2% ई वेपरेशन यानी एंजल शेयर निकल जाता है वो कास्क में से, और इंडिया में लिटरली 10-12% वो निकल जाता है। यानी जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक 500 लीटर का बैरल है उसमें अगर हम लोग एक साल विस्की रखते हैं इंडिया में तो उसमें से 10-12% विस्की इवेपोरेट हो जाती है, बट इन स्कॉटलैंड 1-2% विस्की इवेपोरेट हो जाती है। 500 लीटर का बैरल है उसमें से 1-2% यानी हार्डली एक 5 लीटर वगैरह विस्की निकल जाती है। बट वही इंडिया में अगर ट्रॉपिकल कंडीशंस, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से 10-12% जाती है, यानी देखिए 500 में से 10% 50 लीटर इवेपोरेशन, जस्ट इमेजिन। तो नेचुरली इसके लिए इंडियन जो भी सिंगल माल्ट विस्की रहती है उसके ऊपर कभी भी एज स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ रहता है। हमारे यहाँ भी उसको कास्क में या तो एक्स बर्बन कास्क में उसको मैच्योरेशन के लिए रखते हैं, बट 3 साल, 2 साल या 4 साल के लिए या तो 5 साल के लिए, अगर उतना रखे तो वो विस्की यानी उसकी 4 टाइम्स उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स, यानी अगर 4 साल रखे तो स्कॉटलैंड के 12-year-old जितनी क्वालिटी विस्की अपने यहाँ बन जाती है। यानी जस्ट इमेजिन कितना अपने यहाँ का क्लाइमेट बढ़िया है। सिंगल माल्ट विस्की है तो स्कॉटलैंड की जैसी ब्लेंडेड विस्की बनाने के लिए, पर अपने यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको पकड़ के अगर बनाए स्ट्रिक्टली तो बहुत क्वालिटी अच्छी मिलती है। जैसे कि अभी देखिए वर्ल्ड वाइड इंद्री ने तहलका मचा दिया है। मैंने पिछले कुछ रिव्यूज़ किए, लॉन्जिट्यूड 77 बहुत अच्छी विस्की है, बहुत अच्छी विस्की है। मैंने कहा था उस समय कि आप ज़रूर ट्राई कीजिए, सिर्फ रेट इज थोड़ा हाई है और वो उसकी वजह से मेरे ख्याल से अंडररेटेड रही है। तो ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्कॉटिश लॉ ऑफ मेकिंग विस्की। यानी जो स्कॉटिश लॉ है स्कॉटलैंड के विस्की बनाने के लिए वो इतने स्ट्रिक्ट और पर्टिकुलर है और वहाँ की डिस्टिलरीज उसको सही ढंग से फॉलो करती है, तब जाके इतनी अच्छी ग्लेनफिडिक, ग्लेनलिवेट, ग्लेनमोरांजे, ये एक विस्की की डिस्टिलरीज की रेंज हो गई। लेफ्रॉय है, तालिस्कर है,
इतनी सारी डिस्टिलरीज है कि हम नाम तक भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा कि व्हाट इज सिंगल माल्ट विस्की और इसकी कीमत क्यों ज़्यादा रहती है। ये सब क्राइटेरिया में बैठ के अगर उनको प्रोडक्शन करना है तो नेचुरली उस विस्की के प्रोडक्शन पे लिमिट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग पे लिमिटेशंस आएगी, तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी है वो भी कम बनती है और उसी की वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों मुझे बताइए ये इन्फॉर्मेटिव एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा और इसके बारे में ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वैसे ही ये सब अपने निशूस कास्ट के एपिसोड्स है वो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका रह गया है सब्सक्राइब करना, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में क्या आपको तकलीफ होती है। जस्ट गो टू द चैनल, वहाँ पे एक सब्सक्राइब करके बटन रहता है, उसको जस्ट टच कीजिए, हो गया सब्सक्राइब। और ऐसे मेरे एपिसोड्स अगर कंटिन्यूस देखने हैं तो बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, तो आपको इंटीमेशन आते रहेगा। और निशूस कास्ट हमेशा कुछ इन्फॉर्मेटिव देता है और साथ में विस्की, राम, वोडका, हर एक अल्कोहल को कैसे पीना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा सिखाता है, कौन सी? ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। एंड निशूस कास्ट का एक एम है, कौन सा पता है? सबको एक चीज सिखानी है, कौन सी? लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट। सो चीयर्स टू निशूस कास्ट।